हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग कक्षा 9 का गणित का जो सिलेबस है वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और लगभग पूरे सिलेबस को मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विषय गणित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसके पहले की कक्षाओं में आपने संख्या के बारे में पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में संख्या पद्धति के बारे में आपने पढ़ाई किया, देखा संख्याएं क्या होती है, किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। आज हम संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके आगे हम उनके सवालों को भी हल करेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। तो जैसे कि संख्या पद्धति में संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, संख्या ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में अनंत संख्याएं होती है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार की संख्याओं का समावेश किया जाता है, जिसे क्रमशः ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे संख्या रेखा पे यदि आप राइट साइड चलना शुरू कर देते हैं, राइट साइड की तरफ यदि आप जाते हैं, तो आपको जो संख्याएं मिलेगी वह सब धन संख्याएं मिलेगी। यदि आप लेफ्ट साइड शून्य के लेफ्ट साइड से जाना शुरू करते हैं, तो आपको सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी और अनंत तक मिलेगी, और दाहिने साइड पे धनात्मक संख्याएं सभी अनंत तक जाएगी। बीच में शून्य पूर्णांक होता है, हम आगे देखते हैं। हम शून्य के दाहिने साइड पे जाते हैं तो सबसे पहले मिलने वाली, दाहिने साइड पे जाते हैं तो सबसे पहले मिलने वाली जो संख्या है वह है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही में तो शून्य के बाद की पहली संख्या जो है वह 1 से हो रही है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्या जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह मुख्य रूप से धनात्मक संख्या होती है और उसको n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आती है, थोड़ा हम लेफ्ट साइड पे जब जाते हैं, जीरो उसमें इन्वॉल्व होता है, जीरो सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण हम उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। हम एक के लेफ्ट साइड पे जब आ रहे हैं तो जीरो से संख्या शुरू हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जा रही है, इसी कारण से हम इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं और उसको W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या जो है उसके अंदर पूर्ण सभी प्राकृतिक संख्याओं का समावेश होता है। पूर्ण संख्या के अंदर आप देखेंगे n की सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या में आती है, अर्थात n के सारे सदस्य कहाँ मिल जाते हैं हमको, W के अंदर मिल जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड पे जाने की कोशिश करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जब जाते हैं तो जीरो के बाद हमको नेगेटिव नंबर मिलना चालू हो जाते हैं, माइनस की सारी संख्याएं मिलने लगती है। अब उन माइनस की संख्याओं को यदि हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, -4, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट यदि जोड़ देते हैं, तो हमारी वो बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, जिसको जेड से दर्शाते हैं। जेड जो है इंग्लिश शब्द, जेड जो है जेहलिन पर से आया हुआ वर्ड है, जर्मन शब्द है जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, काउंटिंग।
तो इसको जेड से दर्शाया जाता है, जेड में कौन कौन सी संख्याएं आ गई, तो जेड में ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, शून्य पूर्णांक आ गया और धन पूर्णांक आ गया। इन सारी संख्याओं को मिला करके जो नई संख्या तैयार होती है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परिमेय संख्या। इस चैप्टर में जो आगे हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में जो चीजें पढ़ने वाले हैं वह है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहली बात तो परिमेय संख्या इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेशनल नंबर होते हैं और क्यू से दर्शाते हैं, क्यू का अर्थ होता है कोसेंट, इंग्लिश वर्ड से कोसेंट के ऊपर से उसको क्यू डिनोट किया जाता है। क्यू डेफिनेशन आती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस संख्याओं को हम पी बटा क्यू स्वरूप में दर्शा सकते हैं ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं उसके नीचे हम बटे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है स्वरूप, परंतु जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है परिमेय संख्या में। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या को जैसे 2/3 है तो ये दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो सह अभाज्य गुणनखंड मतलब इनके अंदर अगर गुणनखंड देखा जाए तो एक या एक के अलावा एक मिलेगा, मतलब कॉमन चीजें जो होगी वह एक होगी और जो क्यू होगा जो बटे की संख्या होगी वो हमेशा याद रखिए वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चार डेफिनेशंस देखी, इसके ऊपर से कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स है, सही गलत है, सही गलत है उसको हम देखेंगे और चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब हर एक होल नंबर, हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या, अभी हम लोगों ने यहां देखा था, देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 है, 5 है, अनंत तक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या के सभी सदस्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं, इसलिए ये हमारा विधान कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। क्यों गलत है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, जिसका कारण है कि पूर्ण संख्या के सभी सदस्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वह जीरो से होती है, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से होती है, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो होती है वह एक से होती है, अर्थात जीरो में ना आने के कारण सभी के लिए लागू नहीं होती। सेकेंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा में पूर्णांक संख्या जो होती थी उसमें माइनस भी आता था, प्लस भी आता था और शून्य भी आता था, सभी प्रकार की संख्या आती थी। अगर मैं इनके नीचे कुछ ना कुछ लिख दू, देखो सभी कुछ ना कुछ मैं टाइप कर दू यहाँ पे लिख दू तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या,
है, हमारा आंसर क्या आएगा है। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या होती है, वो हमने संख्या रेखा के ऊपर से और डेफिनेशन से देख लिया। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमने देखा पूर्णांक संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन परिमेय जो है ये पूर्णांक नहीं हो सकती है। ठीक है, 3/5 देख लो, 2/7 देख लो, ये एक परिमेय संख्या है, बट ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आज हमें चैप्टर नंबर 1 के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशंस और ट्रू फॉल्स जो है कवर करने की कोशिश की है, और अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आज आपको कितना वीडियो को देखिए और उसको समझिए और डेफिनेशंस थोड़ी सी याद करने की कोशिश कीजिए, बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।